क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। जहाँ भी रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहे। तो दो तीन चार दिन वीडियो नहीं आ सकी तो उसके लिए माजरत, क्योंकि हम गए हुए थे अपने गाँव में, तो वहाँ पे बच्चों को छुट्टियाँ हैं ना स्कूल की, इसलिए हम वहाँ पे गए हुए थे, कुछ काम वगैरह थे तो हमने वो भी करने थे, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। तो आज हम बनाने जा रहे, बच्चों ने कहा है कि सुबह को सिर्फ किया है बच्चों ने नाश्ता हल्का फुल्का, तो बच्चों ने कहा हमें कुछ मंगवा कर दे बाहर से, इनके बर्गर वगैरह कोई समोसे ये चीज़ मंगवा कर दे। तो मैंने कहा बच्चों को नहीं, मैं घर में आपको टोसा बना के देती हूँ, वो खा लें आप। तो वैसे तो सब बनाना जानते हैं कि टोसा बनाना सब जानते हैं, लेकिन मैंने कहा जो हम बना रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो डोसा बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप सब लोग भी बनाते हैं जो चीज़ें भी इस्तेमाल करने के लिए, जो मैं बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आटा लिया है चावलों का, तो गोभी बंद गोभी भी ली है, और यहाँ पर टमाटर मिर्चें हरा धनिया ये चीज़ें हैं, और तीन अंडे भी लिए हैं साथ में, दो दाने छोटे छोटे प्याज के वो भी लेने हैं सलाद के लिए। तो बस बाकी जो मिसाले घर में होते हैं, नमक मिर्चें ये मिसाले वगैरह जो भी होते हैं ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने बंद गोभी लिए, ये बंद गोभी का सिकटा तो है बहुत बड़ा, सारी तो मैंने डालनी नहीं है, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ही काटूंगी, बाकी रख दूंगी फिर सालन वगैरह या सलाद में इस्तेमाल करूंगी। आप सबसे एक ही दरख्वास्त होती है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, फुल वॉच किया करें, और हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। तो मैं तो काट रही हूँ इस तरह, वरना छोटे टुकड़ों में भी काटे जाते हैं, जैसे भी कोई खाना चाहे काट सकता है। तो ये मैंने काट के रख दिए हैं सारी चीज़ें, बस अब मैंने चटनी बनानी है और आटा गूंद के रख दूँ, फिर चटनी बनाऊंगी, क्योंकि आटा भी थोड़ा सा रस जाएगा फिर मैं बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं आटा डाल देती हूँ। आटा हम ऐसे ही गूंदेंगे जैसे हम चिलड़े का आटा गूंदते हैं, सेम ही उसी तरह गूंदा जाएगा। पहले मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ, नमक को ऐसे मिक्स कर दूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है गूंदने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गूंदते जाएं, एक मिनट बाद फिर पानी डालें, तो इसी तरह ही गूंदा जाता है, ऐसा ऐसा से गूंदना पड़ता है इसको। मेरा बेटा उठ गया, आयशा नींद कर ली आपने? नींद कर ली? दूध पिया है? दूध पिया आपने? तो आटा जब इस कंडीशन में आ जाए तो उसको लगातार 5 मिनट के लिए गूंदना है, लगातार काफ़ी ज़ोर लगा के गूंदना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जो बाकी पानी होता है इसको पतला करने के लिए, तो फिर इसमें पानी डाल दें आप। मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया, ये देखिए ये बर्तन को नहीं चिपक रहा, बिल्कुल गूंद लिया है मैंने इसको सही सही। मम्मा आप हट जाओ, ऐसा हट जाओ। काम करवा रही है मम्मा के साथ, काम करवाता है मेरा बेटा। जी
माशाल्लाह जी आटा मैंने गूंद लिया है, तो इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में मैं चटनी भी बना लूँ और अंडे में जो मिसाले वगैरह मिक्स करने हैं वो भी कर लूँ। तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट बना लिया है, तो इसके अंदर बस दही डालनी बाकी और बन जाएगी चटनी हमारी। बिस्मिल्लाह। क्या खा रही हो? नमक। चलो हट जाओ, नमक ना खाओ। मम्मी नमक ले आई है, ये नमक ले चटनी में डालने के लिए। खाते है ना चटनी, खड़ी हो जा। नमक नहीं डालना इसमें, मैंने डाल दिया है। नहीं चलो डालो, ये ले नमक डाल रही है। चलो हट जाओ मेरा प्यारा बेटा। अगर मैं अंडे फेंट के रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो जो मिसाले अंडे में डालने हैं, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और कुटी हुई काली मिर्च, नमक, तो थोड़ा सा गरम मिसाला कुटा हुआ, तो मैं चटनी लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर जो मैंने ये सलाद बनाया था, ये सारी चीज़ें फैला के रख देती हूँ। अच्छा दही खाना, आप खाना दही, मुझे पता है।
अच्छा प्लेट लेके आगे एक खाना लेने के लिए, क्योंकि इसे पता है कि तैयार हो गया है। अच्छा देती देती मेरा बेटा देती, पहले अपने बेटे को ये ले चलो जाओ चटनी ले जाओ। चटनी लो, चटनी खानी है। चले जी माशाल्लाह बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो गई है, मैंने बना लिए हैं सारे, तो गैस भी ख़त्म हो गया, टाइम गैस का ख़त्म हो गया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने इसे सारी चीज़ें बना ली, तो गैस ख़त्म। फिर मसला बनता है ना, फिर गैस जब नहीं होता तो बहुत सारा मसला बनता है। चलो सीधी बैठो ऐशा, हम ना बस चटनी भी हमने यही बनाई है, दही की चटनी है, तो माशाल्लाह बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं खाने का। बच्चे बहुत ही बेताब हो रहे थे खाने के लिए, क्योंकि ये पहले यहाँ पर बैठे हुए थे। बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो चटनी माशाल्लाह मैंने यही दही की बनाई है, बस इतनी हमारे लिए काफ़ी है, बच्चे खुश हो जाएंगे खा लेंगे, तो इसलिए मैंने कहा ये वाला। बिस्मिल्लाह कैसे बने हैं पर कर अच्छे, ये वाले अच्छे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हुए हैं, आप भी बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सुनाओ।